तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाँ यार, आप एकदम सही समझे, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक बताने वाला आपको जिसकी वजह से जो आपका रील्स है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। एंड भाई, काफी सारे सब्सक्राइबर तो मेरे ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई आप जितने भी ट्रिक बताते हो वो सब एकदम बेकार है, सब एकदम बकवास है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं करती एंड ना ही हमारा रील्स वीडियो वायरल होता है। तो यार, आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी गलतियां करके बैठे हो जिनकी वजह से जो आपका रील्स है वो यहाँ पे वायरल नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सिंह त्रिपाठी और आपका स्वागत है सीएम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट के आते रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जितनी भी मिस्टेक बताने वाला हूँ आप उनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप मोबाइल फोन में ही नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी चीजें मैं बता जा रहा हूँ उनको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, तब आपको पता लगेगा कि आपकी इन गलतियों की वजह से जो आपका रील्स है वो यहाँ पे वायरल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हो मेरे इस अकाउंट के अंदर 116,000 फॉलोअर्स हैं एंड अभी के टाइम पे बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड भाई, इंस्टाग्राम के अंदर मेरे एक नहीं काफ़ी सारे मेरे पेजेस हैं जो मैं चला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 दिन के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा इसका अकाउंट रीच है, ठीक है। यहाँ पे अप डाउन होता रहता है, बट अब मैं इसको ग्रो किस तरीके से कर रहा हूँ एंड इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है, कितनी क्यों इतने ज़्यादा फॉलोअर्स इसके बढ़ रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको रील वाले सेक्शन पे लेके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो सब यहाँ पे कार वाली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छा खासा आता है। एंड ये जो मेरा वीडियो है, जो मेरा वायरल होता है, वो ऐसे लोगों के पास जाता है जिनको रील्स वाली वीडियो देखना पसंद है, कार वाली वीडियोस देखना पसंद है। अब ऐसा मैं करता कैसे हूँ, मतलब अपनी ऑडियंस तक अपनी वीडियो को कैसे पहुँचाता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सर्च वाले आइकन पे आया और यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिले, जितने भी रील्स देखने के लिए मिली है, वो सारी के सारी यहाँ पे कार वाली देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं कार वाली वीडियोज अपलोड करता हूँ तो मैं कार वाली वीडियो को ही लाइक करता हूँ एंड कार वाले जो पेज है उनको ही फॉलो करता हूँ एंड उनको ही देखना पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि जितने भी मैं कार वाली वीडियोज अपलोड करता हूँ या जो भी अपलोड करता हूँ तो वो यहाँ पे कार वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं उनके पास ही भेज रहा है। अब इसी तरीके से आपको करना है, अगर आप फनी वीडियोज बनाते हो तो आप जो फनी वीडियो बनाते हैं उनकी ही वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, उनको ही फॉलो करके रखना है एंड उनकी वीडियो को ही वॉच करना है। अगर आप एटीट्यूड वीडियो बनाते हो तो जो एटीट्यूड वीडियो बनाते हैं उनको ही आपको लाइक करना है, फॉलो करना है एंड कमेंट करना है। इस तरीके से होगा क्या, इंस्टाग्राम यहाँ पे समझ जाएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोज देखना पसंद है एंड जो आप वीडियोज बनाते हो वो किसके पास भेजना है। ये आपको सबसे बड़ा ये जो तरीका है, इससे आपका जो रील्स है वो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, इससे बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिलता है। हाँ यार, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी के टाइम पे काफी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपको इंस्टाग्राम रील्स के अंदर हैशटैग नहीं लगाना है, हैशटैग कोई भी रील वीडियो के अंदर वर्क नहीं करता है एंड ना ही आपका हैशटैग से वीडियो वायरल होता है। बट यार, मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर आप अपने रील वीडियो के अंदर हैशटैग नहीं लगाते हो तो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि यार, एक चीज़ आप मेरे को खुद से बताओ, जब तक आप हैशटैग नहीं लगाओगे कि आपका किस कैटेगरी का वीडियो है एंड आपका फनी वीडियो है या फिर एटीट्यूड वीडियो है या फिर लव वीडियो है, जब तक आप हैशटैग नहीं लगाओगे जब तक इंस्टाग्राम को कैसे पता लगेगा कि जो आपका रील्स है वो किस कैटेगरी का है एंड किस कैटेगरी के ऑडियंस के पास भेजना है। तो अगर आप हैशटैग नहीं लगाते हो तो हैशटैग लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा हैशटैग लगाना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं बताता रहता हूँ कि अगर आप एटीट्यूड वीडियो बनाते हो तो कौन सा लगाना है, अगर आप लव बनाते हो तो कौन सा लगाना है और अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो तो आपको कौन सा हैशटैग लगाना है, सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया हुआ। तो जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई, अब जिस गलती के बारे में मैं आपको बताने बोलूँ वो तो इतना ज़्यादा लोग करते हैं कि भाई क्या ही बोलूँ, जिनकी वजह से जो उनका रीच आ भी रहा था इंस्टाग्राम के अंदर वो भी आना बंद हो जाता है एंड जो थोड़ा बहुत वायरल हो रहा था वही भी बंद हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों को देखा है वो रील वीडियो को अपलोड करते हैं और अगर उसके अंदर लाइक नहीं आते या व्यूज़ नहीं आते तो वो उस वीडियो को डिलीट करके फिर से अपलोड करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको कभी भी अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करना है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट करोगे तो इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा कि आप इंस्टाग्राम को पागल बना रहे हो या आप कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हो, बट उसी वीडियो को बार बार डिलीट करके अपलोड करे जाओ तो इससे आपका रील्स वायरल नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक ये भी करते हैं कि अगर उनका खुद का वीडियो वायरल नहीं होता तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे दूसरों को वीडियो का रिमिक्स करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, अपने आईडी पे अपलोड कर देते हैं और जैसे वो वायरल हो जाएगा उसके बाद कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे, उसके बाद हम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट यार, ऐसे ग्रो नहीं होता है, ऐसे इंस्टाग्राम पे आप ग्रो नहीं कर सकते हो एंड ना ही आप ऐसे करके आप फेमस हो सकते हो। तो अगर आप फेमस होना चाहते हो तो आप एक ही कैटेगरी पे काम करते रहिए, रेगुलर काम करते रहिए, रेगुलर आपका वीडियो आना चाहिए, देन उसके बाद ही जो आपका रील्स है वो यहाँ पे वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं ट्रिक यहाँ पे बताता रहता हूँ अपने चैनल के अंदर किस तरीके से आपको अपने रील वीडियो को वायरल करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन बराबर पहुंचती रहे। और हाँ यार, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है और कभी भी ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के अंदर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड आई होप सो आज के वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।